बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 7 में एक्टिविटी 4.1 को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि फॉर लूप का यूज करते हुए हम किस तरह से किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर सिंपल 2 का टेबल प्रिंट करना सीखेंगे और उसको देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमने करना यह है कि अपनी फॉर लूप को उसी तरह से ले लेना है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिया था, इंट आई, और इसको स्टार्ट कर देंगे 1 से, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो टेबल होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, यानी 2, 10, 20 तक चलते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर देंगे आई इज इक्वल टू 1, यानी ये टेबल जो होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से स्टार्ट होगा, और हम आई को सेट कर देंगे, आई की कंडीशन को आई लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद आई को कर देंगे प्लस प्लस। सिंपल। अब बात आ जाती है हमारी आउटपुट की कि हम अपनी इसके बाद आउटपुट किस तरह से दिखाएंगे। हमने इसके लिए सिंपल इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमारा जो टेबल होता है उस टेबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यू होगी जो के हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगी और कौन सी वैल्यूज होंगी जो हमारी वेरिएबल्स होंगी। तो इसके लिए आप ज़रा ध्यान लगाइए कि हमारे पास जो नंबर होगा 2, जैसे हमारा जो टेबल होता है, अगर मैं यहाँ पे साइड पे थोड़ा मैं कमेंट कर लूँ यहाँ पे साइड पे, तो देखिए हमारे पास जो टेबल होगा वो इस तरह से डिस्प्ले होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। इसके अंदर आप ज़रा ये देखें, ये वाला 2 जो होगा ये तो हर दफ़ा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, यानी 2 ये वाला हर दफ़ा 2 ही रहेगा, ये स्टार ये हर दफ़ा सेम टू सेम रहेगा, इट मींस ये 2 और ये स्टार ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, हम इसको एज इट इज़ फिक्स कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे ये जो इक्वल का साइन है ये भी इसी तरह से सेम टू सेम रहेगा, ये भी हमारे टेबल के अंदर फिक्स ही रहेगा। और यहाँ पे हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि ये जो 1 है ये हर दफ़ा चेंज होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसी तरह से ये 10 तक जाएगा, इट मींस ये जो हमारा 1 है ये हमारा फॉर लूप की मदद से आएगा जो कि हमारा आई होगा, और ये जो हमारा आंसर होगा इक्वल टू बाद वाला ये होगा आई मल्टीप्लाई बाय 2 का रिजल्ट। तो इट मींस ये वाला 2 ये भी हमारा हर दफ़ा वेरिएबल होगा, ये भी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, ये हमारा वेरिएबल होगा, हर दफ़ा चेंज होता रहेगा। अब हम इस चीज़ को अपनी प्रिंट एफ यानी हमारी आउटपुट के अंदर इसको करके देखते हैं। तो इस चीज़ को पहले मद्देनजर रखिएगा कि हमने इसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी आउटपुट को डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोटेशन उसी तरह से हम नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं उसी तरह से लगा लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 जो कि हमारा एज इट इज़ फिक्स होगा, हम इसको 2 ही लिखेंगे क्योंकि हमने 2 का टेबल प्रिंट करना है, हम किसी और नंबर का टेबल प्रिंट नहीं करने वाले। इसके बाद हम लिखेंगे स्टार, स्टार का साइन डाल देंगे। उसके बाद हमने देखना है कि हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये सारे नंबर्स होंगे वो चेंज होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी, यानी इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी आएंगी आई में से, जो कि फॉर लूप का एक काउंटर वेरिएबल है। उसके बाद आएगा इक्वल टू का साइन, और उसके बाद जो हमारा आंसर आना है वो भी हमारा वेरिएबल होगा जो कि आई मल्टीप्लाई बाय 2 की मदद से आएगा। अब हम सिंपल बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लगा लेंगे कॉमा, कॉमा के बाद अब हम करेंगे क्या, परसेंटेज डी जो हमारा पहला है यानी ये जो हमारा पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके अंदर जो आंसर आना चाहिए इसकी जगह पे जो वैल्यूज आनी चाहिए वो आनी चाहिए आई की मदद से, और उसके बाद जो लास्ट वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके अंदर आंसर आना चाहिए आई मल्टीप्लाई बाय 2 की मदद से, और यहाँ पे हम एंड पे लगा लेते हैं सेमीकोलन। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चला के देखते हैं, उसमें से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी आउटपुट किस तरह से आई है, और उसको मज़ीद हम फिर थोड़ा सा डिज़ाइन करके देख लेंगे। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये देखें ज़रा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, और इसी तरह से इसने ये सारा आपको आंसर दिखा दिया है, लेकिन ये अभी आपको अच्छा नहीं नज़र आ रहा होगा, जैसे ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, लेकिन हम इसको अभी बेहतर कर लेते हैं। यहाँ पे एट द एंड हम आके फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ कर लेते हैं बैक स्लैश एन को, इसकी मदद से होगा क्या कि हमारी आउटपुट को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा पाएगा। ओके, तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो अब आप देखिएगा कि इसकी आउटपुट कैसी नज़र आती है। लें जी, तो आपकी आउटपुट बिल्कुल सुथरी होके साफ सुथरी होके नज़र आ गई है, जिसकी मदद से आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से रीड भी कर पाएंगे। देखें 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड सो ऑन, 2 10 20, तो इट मींस आपका प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मद्देनजर रखिए, ये वाला 2 और ये वाला स्टार ये हमारा कॉन्स्टेंट है जो हमने एज इट इज अपने प्रोग्राम के अंदर लिखा था, ये 2 और ये वाला स्टार। आगे वाला जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया था ये है हमारी आई की वैल्यूज जो के
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 है, जो कि हमें लूप ने वैल्यूज दी हैं। और उसके बाद ये इक्वल टू का साइन ये भी हमारा फिक्स रहा है, और एट द एंड हमारे पास आई मल्टीप्लाई बाय 2 हो के ये वाला आंसर, यानी आई मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 1/2, 2/2, 3/4, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, और यानी ये सारा हमारा जो आंसर है ये आई मल्टीप्लाई बाय 2 की मदद से जनरेट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।